अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें क्रिकेट न्यूज़ HD चैनल को और प्रेस करें इस बेल के आइकन को ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिले। ICC ने मई 2020 में नई सालाना टेस्ट ODI और T20 रैंकिंग जारी कर दी। आज की इस खास वीडियो में हम इस नई टेस्ट ODI और T20 रैंकिंग की टॉप 10 टीमों, टॉप 10 बल्लेबाजों और टॉप 10 बॉलर और टॉप 10 ऑलराउंडर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये तमाम रैंकिंग्स जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस नई रैंकिंग में सबसे पहले ODI रैंकिंग की टॉप 10 टीमों की बात करें तो नंबर 10 अफगानिस्तान टीम जो 55 पॉइंट के साथ नंबर 10 पर मौजूद है। नंबर 9 वेस्ट इंडीज़ टीम जो 76 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 8 श्रीलंका टीम जो 85 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 7 बांग्लादेश टीम जो 88 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 6 पाकिस्तान टीम जो 102 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद है। नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया टीम जो 107 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 4 साउथ अफ्रीका टीम, साउथ अफ्रीका जो 108 पॉइंट के साथ 4थे नंबर पर मौजूद है। नंबर 3 न्यूजीलैंड टीम, न्यूजीलैंड जो 116 पॉइंट के साथ 3रे नंबर पर मौजूद है। नंबर 2 इंडिया टीम, इंडिया जो 119 पॉइंट के साथ 2रे नंबर पर मौजूद है। नंबर 1 इंग्लैंड टीम जो 127 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। तो वहीं इस नई रैंकिंग में टॉप 10 ODI ऑलराउंडर्स की बात करें तो नंबर 10 सेन विलियम्स जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, वो 229 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 9 सिकंदर रजा जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, वो 232 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 8 मिचेल सैटनर जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, वो 241 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 7 रविंद्र जडेजा जिनका ताल्लुक इंडिया से है, वो 246 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 6 राशिद खान जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, वो 253 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 5 क्रिस वोक्स जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, वो 263 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 4 कोलिन डी ग्रैंडहोम जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, वो 266 पॉइंट के साथ 4थे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 3 इमाद वसीम जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो 278 पॉइंट के साथ 3रे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 2 बेन स्टोक्स जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, वो 294 पॉइंट के साथ 2रे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 1 मोहम्मद नबी जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, वो 301 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। तो वहीं इस नई रैंकिंग में टॉप 10 ODI बॉलर्स की बात करें तो नंबर 10 मिचेल स्टार्क जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये 637 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 9 लुकी फॉरगसन जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और ये 638 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 8 मैट हेनरी जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और ये 643 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 7 मोहम्मद आमिर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये 656 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 6 क्रिस वोक्स जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और ये 659 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 5 कागिसोरा बाड़ा जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है और ये 664 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 4 पैट कमिंस जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये 671 पॉइंट के साथ 4थे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 3 मुजीबुर रहमान जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और ये 701 पॉइंट के साथ 3रे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 2 जसप्रीत बुमराह जिनका ताल्लुक इंडिया से है और ये 719 पॉइंट के साथ 2रे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 1 ट्रेंट बोल्ट जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और ये 727 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। तो वहीं इस नई रैंकिंग में टॉप 10 ODI बल्लेबाजों की बात करें तो नंबर 10 क्विंटन डिकॉक जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है और ये 754 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 9 एरन फिंच जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये 758 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 8 जोए रूट जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और ये 770 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 7 केन विलियमसन जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और ये 773 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 6 डेविड वॉर्नर जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये 781 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 5 फाफ डुप्लेसिस जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है और ये 791 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 4 रॉस टेलर जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और ये 828 पॉइंट के साथ 4थे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 3 बाबर आजम जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये 829 पॉइंट के साथ 3रे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 2 रोहित शर्मा जिनका ताल्लुक इंडिया से है और ये 855 पॉइंट के साथ 2रे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 1 विराट कोहली जिनका ताल्लुक इंडिया से है और ये 869 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। तो वहीं इस नई एनुअल रैंकिंग में टॉप 10 टेस्ट टीमों की बात करें तो नंबर 10 बांग्लादेश टीम जो 55 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर मौजूद हैं।
नंबर 9 अफगानिस्तान टीम जो 57 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 8 वेस्ट इंडीज़ टीम जो 79 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 7 पाकिस्तान टीम जो 86 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 6 साउथ अफ्रीका टीम जो 90 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद है। नंबर 5 श्रीलंका टीम, श्रीलंका जो 91 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 4 इंग्लैंड टीम जो 105 पॉइंट के साथ 4थे नंबर पर मौजूद है। नंबर 3 इंडिया टीम जो 114 पॉइंट के साथ 3रे नंबर पर मौजूद है। नंबर 2 न्यूजीलैंड टीम जो 115 पॉइंट के साथ 2रे नंबर पर मौजूद है। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया टीम जो 116 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। तो वहीं इस नई रैंकिंग में टॉप 10 टेस्ट ऑलराउंडर्स की बात करें तो नंबर 10 टीम साउथ ही, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और ये 211 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 9 क्रिस वॉक्स, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और ये 212 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 8 रोस्टन चेस, जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है और ये 238 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 7 पैट कमिंस, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये 266 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 6 कोलिन डी ग्रैंडहोम, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और ये 280 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 5 रवि अश्विन, जिनका ताल्लुक इंडिया से है और ये 282 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 4 मिचेल स्टार्क, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये 298 पॉइंट के साथ 4थे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 3 रविंद्र जडेजा, जिनका ताल्लुक इंडिया से है और ये 397 पॉइंट के साथ 3रे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 2 बेन स्टोक्स, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और ये 407 पॉइंट के साथ 2रे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 1 जेसन होल्डर, जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है और ये 473 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। तो वहीं इस नई रैंकिंग में टॉप 10 टेस्ट बॉलर्स की बात करें तो नंबर 10 जोश हेजलवुड, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये 769 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 9 ट्रेंट बोल्ट, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और ये 770 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 8 जेम्स एंडरसन, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और ये 775 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 7 जसप्रीत बुमराह, जिनका ताल्लुक इंडिया से है और ये 779 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 6 मिचेल स्टार्क, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये 796 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 5 कागिसो रबाडा, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है और ये 802 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 4 टीम साउथी, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और ये 812 पॉइंट के साथ 4थे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 3 जेसन होल्डर, जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है और ये 830 पॉइंट के साथ 3रे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 2 नील वैगनर, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और ये 843 पॉइंट के साथ 2रे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 1 पैट कमिंस, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये 904 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। तो वहीं इस नई रैंकिंग में टॉप 10 टेस्ट बल्लेबाजों की बात करें तो नंबर 10 बेन स्टोक्स, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और ये 718 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 9 अजिंक्य रहाणे, जिनका ताल्लुक इंडिया से है और ये 726 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 8 जॉय रूट, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और ये 764 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 7 चुतेश्वर पुजारा, जिनका ताल्लुक इंडिया से है और ये 766 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 6 डेविड वॉर्नर, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये 793 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 5 बाबर आजम, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये 800 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 4 केन विलियमसन, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और ये 813 पॉइंट के साथ 4थे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 3 मार्नस लबुशाने, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये 827 पॉइंट के साथ 3रे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 2 विराट कोहली, जिनका ताल्लुक इंडिया से है और ये 886 पॉइंट के साथ 2रे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 1 स्टीव स्मिथ, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये 911 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। तो वहीं इस नई ICC एनुअल रैंकिंग्स में टॉप 10 T20 टीमों की बात करें तो नंबर 10 अफगानिस्तान टीम जो 228 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 9 वेस्ट इंडीज टीम जो 229 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 8 बांग्लादेश टीम जो 229 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 7 श्रीलंका टीम जो 230 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 6 न्यूजीलैंड टीम जो 242 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद है। नंबर 5 साउथ अफ्रीका टीम जो 258 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 4 पाकिस्तान टीम जो 260 पॉइंट के साथ 4थे नंबर पर मौजूद है। नंबर 3 इंडिया टीम जो 266 पॉइंट के साथ 3रे नंबर पर मौजूद है। नंबर 2 इंग्लैंड टीम जो 268 पॉइंट के साथ 2रे नंबर पर मौजूद है। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया टीम जो 278 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। तो वहीं इस नई रैंकिंग में टॉप 10 T20 ऑलराउंडर्स की बात करें तो नंबर 10 महमूदुल्लाह, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है और ये 135 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर मौजूद हैं।
नंबर 9 ज़ीशान मकसूद, जिनका ताल्लुक ओमान से है और ये 135 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 8 रूहान मुस्तफ़ा, जिनका ताल्लुक यूएई से है और ये 152 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 7 कोलिन ज़बोयो, जिनका ताल्लुक कीनिया से है और ये 153 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 6 खावर अली, जिनका ताल्लुक ओमान से है और ये 169 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 5 ग्रेट डेलानी, जिनका ताल्लुक आयरलैंड से है और ये 170 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 4 रिचर्ड ब्रिंगटन, जिनका ताल्लुक स्कॉटलैंड से है और ये 194 पॉइंट के साथ 4थे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 3 ग्लेन मैक्सवेल, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये 204 पॉइंट के साथ 3रे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 2 सेन विलियम्स, जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है और ये 213 पॉइंट के साथ 2रे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 1 मोहम्मद नबी, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और ये 294 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। तो वहीं इस नई रैंकिंग में टॉप 10 T20 बॉलर्स की बात करें तो नंबर 10 क्रिस जॉर्डन, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और ये 639 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 9 शदाब खान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये 653 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 8 आदिल रशीद, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और ये 658 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 7 इमाद वसीम, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये 672 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 6 मिचेल सैटनर, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और ये 677 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 5 तबरेज शमसी, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है और ये 681 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 4 एश्टन हैगर, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये 712 पॉइंट के साथ 4थे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 3 एडम जंपा, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये 713 पॉइंट के साथ 3रे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 2 मुजीबुर रहमान, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और ये 730 पॉइंट के साथ 2रे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 1 राशिद खान, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और ये 736 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। तो वहीं इस नई रैंकिंग में टॉप 10 T20 बल्लेबाजों की बात करें तो नंबर 10 विराट कोहली, जिनका ताल्लुक इंडिया से है और ये 673 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 9 एवन लिवस, जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है और ये 674 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 8 हजरतुल्लाह जरदारी, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और ये 676 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 7 एओन मॉर्गन, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और ये 687 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 6 डेविड मलान, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और ये 718 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 5 ग्लेन मैक्सवेल, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये 721 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 4 कोलिन मनरो, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और ये 785 पॉइंट के साथ 4थे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 3 एरन फिंच, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये 820 पॉइंट के साथ 3रे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 2 केएल राहुल, जिनका ताल्लुक इंडिया से है और ये 823 पॉइंट के साथ 2रे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 1 बाबर आजम, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये 879 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। तो इन तमाम टीमों और इन तमाम प्लेयर्स में से आपकी पसंदीदा टीम और प्लेयर्स कौन से, अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।